शहीदी दिवस के अवसर पर हमीरपुर गांधी चौक पर DYFI इकाई हमीरपुर ने प्रदर्शन किया और महात्मा गांधी के शहीदी दिवस पर नारेबाजी की और बापू के हत्यारे नथुराम गोडसे का पुतला जलाया। इस अवसर पर करीब एक दर्जन कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी के हत्यारों को आज तक सजा नहीं दिए जाने पर रोष व्यक्त किया। शहीदी दिवस के अवसर पर हमीरपुर गांधी चौक पर DYFI इकाई हमीरपुर ने प्रदर्शन किया और महात्मा गांधी के शहीदी दिवस पर नारेबाजी की और बापू के हत्यारे नथुराम गोडसे का पुतला जलाकर देश का पहला आतंकवादी करार दिया। इस अवसर पर करीब एक दर्जन कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी के हत्यारों को आज तक सजा नहीं दिए जाने पर रोष व्यक्त किया। DYFI के प्रदेशाध्यक्ष अनिल मनकोटिया भी मौजूद रहे। अनिल मनकोटिया ने कहा कि महात्मा गांधी के द्वारा दिए गए बलिदान को कोई नहीं भुला सकता है। उन्होंने कहा कि आज देश की कुछ ताकतें देश की सद्भावनाओं को मिटाने का प्रयास कर रही हैं, जो कि देश हित के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारी थी और साजिश के तहत उनकी हत्या की गई थी। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद सांप्रदायिक माहौल बनाने के लिए महात्मा गांधी की हत्या की गई थी। आज जैसे कि आपको मालूम है 30 जनवरी 1948 को हमारे देश के अंदर आजादी के बाद जो देश के पहले आतंकवादी के तौर पर नथुराम गोडसे को जाना जाता है, उनके द्वारा हमारे देश के राष्ट्रपिता की हत्या जो है वो कर दी गई थी। उसी के विरोध में आज भारतीय जनवादी नौजवान सभा हमीरपुर के गांधी चौक पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा मानना है कि जिस विचार को उन्होंने खत्म करने की उसमें कोशिश की थी, आज हम देखते हैं कि वो विचार किस तरीके से, वो इतना मजबूत विचार जो आज भी जब आप RSS द्वारा संचालित जो मोदी सरकार है उसका जो स्वच्छ भारत का जो चश्मा है वो महात्मा गांधी का चश्मा उन्होंने अडॉप्ट किया। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस शख्स ने RSS के जो एक आतंकवादी के तौर पर नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी को उनका गोली मारकर उनकी हत्या की थी, वो विचार, वो जो अहिंसावादी विचार जिसने इस देश के अंदर इस देश को आजादी दिलाने में बहुत बड़ा योगदान दिया, और आज के संदर्भ में इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब देश के अंदर कुछ ऐसी देश विरोधी ताकतें हैं जो गोडसे जैसे आतंकवादी और देश के गद्दार का जो है वो मंदिर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और उस विचार को जो है इस देश के अंदर हम मानते हैं कि वो एक ऐसा विचार है इस देश की प्रगति के अंदर सबसे बड़ा बाधक है। हमारी भारतीय जनवादी नौजवान सभा की जो प्रगतिशील और वैज्ञानिक सोच है, हमें मानते हैं कि इस देश के अंदर जब तक उस देश विरोधी, जब तक उस देश को बांटने वाले विचार का खात्मा नहीं होगा, हमारा देश जो है प्रगति नहीं कर सकेगा। इसीलिए आज भारतीय जनवादी नौजवान सभा द्वारा जो है यहाँ पर नथुराम गोडसे का पुतला फूंका गया।